नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। पड़ोसी देशों पर धौंस दिखाने वाले चालबाज चीन की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत से पंगा लेना चीन को इतना भारी पड़ रहा है कि अब दुनिया भर के बड़े से बड़े देश चीन के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। इसी बीच भारत समेत एशिया में पड़ोसी देशों के साथ चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने ड्रैगन से मुकाबले के लिए कमर कस ली है। अमेरिका अपने हजारों सैनिकों को जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरे एशिया में तैनात करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इंडो पैसिफिक इलाके में शीत युद्ध के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चुनौती है। इस तैनाती के बाद अमेरिका सेना अपने वैश्विक दबदबे को फिर से कायम करेगी। उधर ब्रिटेन भी अपने हजारों कमांडो स्वेज नहर के पास तैनात कर रहा है। अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने हजारों सैनिकों को एशिया में तैनात करने जा रहा है। ये सैनिक अमेरिका के गुआम, हवाई, अलास्का, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्थित सैन्य अड्डों पर तैनात किए जाएंगे। जापान के निक्केई एशियन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की प्राथमिकता बदल गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2000 के दशक में अमेरिका का फोकस मुख्य रूप से आतंकवाद पर था और उसने इराक और अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने पिछले महीने अपने एक लेख में कहा था कि चीन और रूस जैसी दो महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए अमेरिका सेना को निश्चित रूप से अग्रिम इलाके में पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से सेना को तैनात करना होगा। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका जर्मनी से अपने सैनिकों की संख्या 34,500 से घटाकर 25,000 करने जा रहा है। इन 9500 अमेरिकी सैनिकों को इंडो पैसिफिक इलाके में तैनात किया जाएगा या फिर उन्हें अमेरिका में स्थित सैन्य अड्डों पर भेजा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि एशिया में अमेरिका और हमारे सहयोगी देश कोल्ड वार के बाद सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का करीबी सहयोगी ब्रिटेन भी एशिया में अपने सैनिक भेज रहा है। ब्रिटेन की सेना का मानना है कि एशियाई सहयोगी देशों के साथ नजदीकी संबंध रखकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके और स्वेज नहर के पास और ज्यादा सैनिक तैनात करके चीन पर नकेल कसा जा सकता है। इसके लिए ब्रिटेन के तीनों ही सेनाओं के प्रमुख मंत्रियों से मिले थे। ब्रिटेन के सेना प्रमुखों की बैठक में चीन के खतरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। ब्रिटेन की शाही नौसेना ने ऐलान किया है कि वो स्थायी रूप से स्वेज नहर के पूर्व में कुछ हजार कमांडो हमेशा के लिए तैनात कर रही है। इन्हें संकट के समय कभी भी तैनात किया जा सकेगा। बता दें कि स्वेज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है और चीन का बड़े पैमाने पर सामान इसी रास्ते से यूरोप जाता है। उधर चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारत लगातार अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद परिषद की बैठक में नए लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और हथियारों की खरीद के लिए 38,900 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। यानी कि साफे की तानाशाही दिखाने वाला चीन अब चारों तरफ से घिर चुका है। उसकी हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।